मेरा नाम आदित्य पुद्दार है, मैं अम्बी जरा सेकेंडरी स्कूल से आया और मेघालिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा टॉपिक का नाम है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ नोन फैक्ट्स एंड यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल मेथड फॉर मेडिकेशन। तो सर, आप सभी जानते हैं हमारे देश में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इन बीमारी से लाखों आदमी की जान चली जाती है। तो मैं यहाँ पे एक इको फ्रेंडली तरीके से मॉस्किटो स्टिक्स बनाया हूँ, क्योंकि बाजार में जो उपलब्ध है उसमें केमिकल में आता है जो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुँचाता है। ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो पहले तो ये टमरिंग सीड यानी इमली का बीज, इसको आपको सुखाना है। तो जब आप सुखाएंगे जो रेडिश लेयर है निकल आएगी, अंदर में व्हाइटिश लेयर रहेगी, उसको आपको पानी में भिगो करके इसका पेस्ट बना देना है। तो जब आप पेस्ट बनाएंगे ऐसा दिखेगा। ये यहाँ पे एक नेचुरल ग्लू की तरह काम कर रहा है और आप सभी जानते हैं इसमें एसिड होता है। सेकेंडली ये नीम लीफ है, नीम का पत्ता इंसेक्टिसाइड्स के तो यहाँ पे काम करता है। और आप सभी जानते हैं इसमें बेस, ये बेसिक नेचर है, तो आपको इसको भी सुखा के यहाँ पे पाउडर बना देना है। ये बेस और ये एसिड रहता है, दोनों रिएक्ट करें, दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इसका कोई भी इफेक्ट हमारे शरीर पे नहीं पड़ेगा। थर्डली ये चारकोल है, लकड़ी का कोयला, इसको भी यहाँ पे पाउडर बना देना है, ये आग पकड़ने में मदद करेगा। फोर्थली एक काउडंग है यानी गोबर, इसको भी यहाँ पे सुखा के पाउडर बना देना है। ये एक स्मोक प्रोड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा यानी स्मोक प्रोड्यूस करेगा। तो अगर आपको अगरबत्ती बनाना है तो पहले तो आपको बैम्बू स्टिक चाहिए। बैम्बू स्टिक अगर उपलब्ध नहीं है तो आप कोई भी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले तो आपको ये पेस्ट ज़्यादा मात्रा पे इस पर चिपकाना है, क्योंकि एक नेचुरल ग्लू की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, तो इस पर आसानी से चिपक जाएगा। फिर हमें इस पर रोल करना है, फिर हमें इस पर रोल करना है, फिर इस पर रोल करना है, वन बाय वन। बस हमें ये ध्यान में रखना है कि जो काउडम पाउडर है कम मात्रा में यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो इससे स्मोक ज़्यादा होगा, स्मोक ज़्यादा होगा तो इससे पोल्यूशन होगा। तो अगर कोई भी आपको लगे कि अगरबत्ती भींगा हुआ है तो आप दो तीन गुली सुखा सकते हैं। तो जो मेरा एग्जिबिट है इस तरह से काम करती है। इसका मेन एडवांटेज ये है कि इको फ्रेंडली है, इस पर कोई खर्चा नहीं है, सारा वेस्टफुल मटेरियल से हमारे शरीर को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, होममेड है, और मॉस्किटोज भी मर जाते हैं और कीड़े मकोड़े भी भाग जाते हैं। थैंक यू।